सभी भाइयों को नमस्कार, सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल सनसनीवाल डेयरी फार्म पे। एक मेला हमारे महेंद्रगढ़ जिले में ऑर्गेनाइज हुआ ताजपुर गांव में, और मिल्क ब्यूटी के कंपटीशन में पहले नंबर पे जोटी रही है, जो सामने आप वीडियो में देख पा रहे हैं। बहुत ही शानदार जोटी है, बहुत ही खूबसूरत जोटी है। काफ़ी सारे भाई मेला देखने के लिए आए हुए हैं। पशुओं की संख्या की बात करें टोटल अगर हम, तो वो थोड़ी कम थी, लेकिन दूध के कंपटीशन का मुकाबला बहुत अच्छा हुआ। लगभग 4-5 जोटियाँ बहुत ही शानदार थी। ये जोटी कहाँ से है, डिटेल से इसके बारे में जानकारी लेंगे भाई से। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, सुरेंद्र आपका भी। भाई साहब कौन सा गांव है अपना? गांव संडोल है जी। संडोल तहसील बरवाला या इसार? इसार है जी। संडोल कौन से रोड पे पड़ेगा ये? इसार अगरवा से बरवाला रोड पे। अगरवा से बरवाला रोड पे। तो भाई आपका नाम क्या है खुद का? राजकुमार। राजकुमार कौन से ब्यांत की जोटी है भाई साहब? ये दूसरे ब्यांत की। कितने एक दिन की अभी ब्याई हुई हो चुकी है? पांचवा दिन की है। पांचवे दिन की है। पहले ब्यांत में अपने पास ही थी? अपने पास थी। तो कितना दूध देती है भाई साहब ये? पहले ब्यांत में 17 किलो। पहले ब्यांत में 17 किलो दूध दिया, अभी दूसरी बार ब्याई है। तो ये देखिए एक बार नजदीक से दिखाना चाहूंगा। पहली बार किसी कंपटीशन में भाई जो है जोटी लेके आए हैं, और पहली बार में ही पहले नंबर पे रही है। बहुत सारे भाई कहते हैं कि मेले बहुत, जो ये बड़े बड़े मेले होते हैं इसमें फिक्सिंग चलती है या छोटे किसान को आगे नहीं आने देते, लेकिन जिस भाई के पास अच्छा पशुधन है उसका पशुधन जरूर ही जीतेगा। वो हमारे देसी भाषा में, हरियाणवी भाषा में कहते हैं, जो घी है वो तो ऊपर ही आएगा, नीचे नहीं रहेगा, उसको रोकने वाले कोई नहीं है। थोड़े दिन उसको दबा सकते हैं, लेकिन जो अच्छा पशुधन है वो जरूर किसी न किसी मेले में पहले नंबर पे रहेगा। ये देखिए बहुत सारे भाई मेला देखने के लिए भी आए हुए हैं, और जोटी जब मेला शुरू हुआ उससे पहले ही सभी भाइयों की चहती थी और पहले नंबर पे रही है। सभी का कहना था कि जोटी का कोई मुकाबला इसका है नहीं। तो भाई साहब बेचने का भी विचार है या बेचोगे? नहीं, बेचने का कोई विचार नहीं है। वैसे इसकी माँ भी आपके पास ही थी? हाँ, इसकी कितना दूध देती थी भाई साहब? इसने 22 लीटर दूध दिया। 22 लीटर। और इसके फादर का पता है आपको? इसका फादर खली का बेटा था। खली का बेटा कहाँ था? खली का बेटा वो जुगलान गांव में। जुगलान गांव में था, ठीक है। क्या नाम है उस भाई का जिसके पास था? अभी भी है क्या वो? वो जोटा हमने बाद में खरीद लिया था हमारी पंचायत ने। अच्छा, गांव के पंचायती जोटे की है ये, बाद में चोरी हो गया। ठीक है ठीक है। तो ये देखिए भाई साहब के पास बहुत ही शानदार जोटी जो कि पहले नंबर पे रही है। संडोल, संडोल बताया ना, संडोल गांव है, बरवाड़ा से जो अगरवा रोड है उस रोड पे, और इसार जिले में। सभी भाई जितने भी वीडियो के एंड तक बने रहे, बताना कैसी लगी आपको जोटी। सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। एक बार चलाना भाई थोड़ी सी। बस